तो आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लेखपाल रिश्वत मामले में फोरेंसिक टीम थाने पहुंच गई है। फोरेंसिक टीम ने थाने पर खड़ी कार को ताला खोला उसका। आपको बता दें कि फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच कर ली और लिए फिंगरप्रिंट। लेखपाल पर 10 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। लेखपाल पर लगाए गए आरोप जांच में सही पाए गए। आपको बता दें कि लेखपाल की कार में से 10 लाख की नकदी बरामद हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विजय बघेल के साथ। तो विजय बताइए कि क्या है इस मामले में पूरी अपडेट। देखिए अंजलि, आपको बता दें कि अभी ये पैसा किसका है, लेखपाल का है या उनके बेटे का, क्योंकि उनके बेटे ने, लेखपाल के बेटे ने बयान दिया है ये पैसा उनके बिजनेस का है। और जो बादी थे जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने पैसे दिए नहीं थे, पैसे किसी तीसरे व्यक्ति ने दिए थे। वो व्यक्ति पुलिस पर कंप्लेंट करने आया नहीं है और जो बादी हैं वो भी अभी तक थाने नहीं पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि बादी भी ये कह रहे हैं कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो ये अभी ये पुलिस ने जो कार खोली थी, फोरेंसिक टीम वहाँ मौके पर आई थी, तो पुलिस ने जो खोली है वो जांच का विषय है कि आखिर ये धन किसका है। अभी ये बताया जा रहा है कि यहाँ जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया भ्रष्टाचार निवारण में अधिनियम में, वो वादी पहुंचने वाले हैं, उनका बयान क्या होता है, तब इस मामले में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी लेखपाल पर ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि ना तो गाड़ी लेखपाल के नाम पर है और ना ऐसा कोई वीडियो है जिसमें लेखपाल को पैसे लेते हुए दिखाया हो। कार से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, डैशबोर्ड से 5 लाख निकाले हैं, 5 लाख पीछे की सीट पर एक बैग में रखते थे पॉलिथीन में, तो वो पैसे निकाले हैं। बाकी अभी ये किसी अभी ये पता नहीं है कि आखिर पैसे किसके हैं। पुलिस के जो एसीपी हैं उनका भी कहना है, एसीपी लोहांडी का, कि मामले की जांच की जा रही है, उधर तहसील स्तर पर भी जांच की जा रही है कि आखिर ये पैसे हैं तो किसके हैं। क्योंकि जो आरोपी पक्ष है, उनके बेटे मोहित चौधरी ने यहाँ बयान दिया है कि वो पैसे उनके थे। मोहित चौधरी कल शाम को भी पुलिस और एसडीएम के सामने ये बता रहे थे कि वो गाड़ी में वो खुद बैठे थे और वो बिजनेस करते हैं, वो अधिवक्ता भी हैं, तो ये पैसे उनके हैं। और जिनके पैसे हैं उनके साक्ष भी मोहित चौधरी ने उपलब्ध किए कराए हैं, उन्होंने एफिडेविट किया है कि बिजनेस के सिलसिले में उनके पैसे दिए गए थे। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हुआ कि ये आरोप लेखपाल पर सिद्ध हो गए हैं या लेखपाल जबकि ये पैसे हैं, पुलिस अपनी जांच में है। हालांकि यहाँ चल बहुत कुछ रहा है, क्योंकि पल पल पर समीकरण बदल रहे हैं, पल पल पर मामले में नया मोड़ आ रहा है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मामले में कहीं दाल में कुछ काला है जरूर। जी बिल्कुल, क्योंकि रात को कुछ बात और होती है, फिर सुबह कुछ बात और होती है, और सुबह बादी जो जब खुलने की बारी आती है उनका इंतजार पुलिस 1 घंटे करती है, तब भी बादी नहीं पहुंचते हैं। फिर एसीपी और पूरी मीडिया टीम के सामने वो कार खुलवाई जाती है और उसमें से पूरी वीडियोग्राफी के बाद वो पैसे निकलते हैं। और उन पैसों पर दावा, जो रात को लेखपाल के सुपुत्र कर रहे थे, वो आज भी दावा कर रहे हैं कि ये पैसे उनके हैं, बिजनेस के सिलसिले में उन्होंने लिए हैं, जिसके से एफिडेविट भी वो देने को तैयार है। तो मामले में बहुत कुछ आना बाकी है। जी विजय, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी के। तो आपको एक बार फिर बता दें कि लेखपाल रिश्वत मामले में फोरेंसिक टीम थाने पहुंच गई है। फोरेंसिक टीम ने थाने पर खड़ी कार का ताला खोला, उसके बाद फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच कर लिए फिंगरप्रिंट। आपको बता दें कि लेखपाल पर 10 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। फिलहाल यह आरोप सही साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि वादी अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लेखपाल पर आरोप जो लगे हैं वो सही पाए गए हैं। लेखपाल की कार से 10 लाख की नकदी बरामद हुई है और मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इस पूरे मामले में समीकरण लगातार बदल रहे हैं। आपको बता दें कि लेखपाल रिश्वत मामले में फोरेंसिक टीम थाने पहुंच गई है। जिस कार में पैसे मिले थे उस कार को खोल लिया गया है। और पूरी खबर पर अपडेट देते रहेंगे आपको। तो फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।